पहला तो ये है कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, और हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एकदम बहुत आसानी से देखो क्या करना है। सबसे पहले, सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है और एक फॉर्मूला जो बराबर पूछा जाता है, मॉड। मॉड माने क्या होता है? मॉड माने होता है जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद। जैसे कोई भी नंबर है हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। अब देखो यह है ना, मान लो यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पर कर देते हैं 4, तो ऐसे में क्या आएगा आंसर? 1 आएगा ना, ठीक है। देखो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना ये -9 है, ठीक है, लेकिन ये +9 होता, अगर ध्यान देना ये +9 होता। अच्छा ये बताओ कि ये 4, यहाँ पे 3 आया हुआ है, तो ये बताओ कि 4 में कितना जोड़ दें कि 4 में से कितना माइनस कर दें कि 3 आ जाए? 1 माइनस करेंगे ना। अच्छा ये ध्यान देना कि अगर यहाँ पे ये माइनस में हटा देता हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही आने वाला है, तो ये अगर माइनस में हटा देता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन अगर ये माइनस में दिया होगा, ये देखो ये माइनस किया तो तुरंत क्या आएगा? 3 आएगा। अच्छा ये तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर चेंजेस करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कर देते हैं -19 कर देते हैं, 19, ठीक है, तो ऐसे में क्या आएगा? एंटर करते हैं तो 1 आएगा। क्यों 1 आया है, सोचा है इसके पीछे रीजन? क्योंकि अगर 4 × 5 = 20 करते हैं तो 20 से कितना कम है? 19, 1 कम है, इसीलिए यहां 1 आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां पे 21 कर देता हूं, अब जरा ध्यान देना, यहां -21 करता हूं, -21, तो देखो अभी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो जरा देखो -3 आया हुआ है, तो -3 क्यों आया हुआ है सोचो। 24 लेटेस्ट में अगर 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम, तो 4 × 16 4 × 5 = 20 होता है, 20 होता है ना, और 4 × 6 = 24 होता है, तो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो 24 में से कितना घटाओ तो 21 आएगा, 3 घटाओगे तो 21 आएगा, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, समझ आ रहा है बात? अच्छा मान लो यही चीज, फिर देखो यहाँ पे फिर चेंज कर रहा हूँ, यही चीज 22 होता तब क्या होता जरा ध्यान दो, तो -2 आता, तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। यही चीज 23 होता तब क्या होता? 23, अब देखो 23 करता हूँ, 4 के पहाड़े में 23 भी नहीं आता है, आता है नहीं आता है? ये देखो 23 किया तो 1 आएगा, ठीक है, 24 में तो 0 आ जाएगा, ये तो पता ही है, लेकिन 25 में क्या आएगा? 25 का भी देखना चाहिए, तो -25 किया मैंने, ठीक है। अच्छा -25 किया है तो ये चीज ध्यान देना कि 4 के पहाड़े में 28 आता है क्या? 28 आता है, 28 आता है ना, ठीक है, तो यहाँ 25 किया है, तो 25 में कितना जोड़ देंगे तो 28 आएगा, 3 जोड़ देंगे तो 28 आएगा, तो इसीलिए यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है। तो मॉड को अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना, समझ में आया है कि नहीं? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। अब देखो फिर एक बार और चला देते हैं इसको, अगर 25 के बजाय यहाँ -26 कर देते हैं तब क्या होगा बताओ? क्या आएगा? 2 आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मान लो कि -26 को हटा देते हैं, -27 कर देते हैं, तब क्या आएगा? 1 आएगा, बहुत बढ़िया, ये 1 आ भी रहा है, ठीक है। अगर -28 की जगह -29 कर देते हैं, अब क्या आएगा? फ्री आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया ये कैसे काम कर रहा है? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखी रहना, एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है ना।